नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब से दी करंट अफेयर्स वीक में दो दिन आया करेगा, एवरी संडे शाम 5 बजे और एवरी वेडनेसडे शाम 5 बजे। और फ्रेंड्स, इस चीज को लेकर मैंने पोल भी किया था और रिजल्ट देखे क्या निकल के आया, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है कि वीक में दो दिन वेडनेसडे और संडे दी करंट अफेयर शो लेकर आइए। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का 7th एपिसोड, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट इवेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इससे बेस्ट करंट अफेयर का कंटेंट आपको कोई दे ही नहीं सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एमी कोनी बैरेट बनी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज। फ्रेंड्स, हाल ही में इस चीज को लेकर रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं, जिसके बाद एमी कोनी बैरेट को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में चुना गया है। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही एमी कोनी बैरेट है जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू नॉमिनेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जज के पद के लिए, और फाइनली यही सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। जो ये एमी कोनी बैरेट है, ये सुप्रीम कोर्ट की 115वीं एसोसिएटेड जस्टिस चुनी गई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, 115वीं, ठीक है। तो चलिए आपको ये भी दिखा देता हूं, जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा दिखाई देता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, जो कि अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, और ये एमी कोनी बैरेट इनकी 115वीं जज चुनी गई है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने अपनी एक एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है नाग, उसका आखिरी और एकदम सफल परीक्षण कर लिया है। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही नाग मिसाइल है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि एकदम देसी मिसाइल है, यानी कि भारत ने ही बनाई है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ने इस मिसाइल को बनाया है और इसका सफल परीक्षण हो चुका है। जल्द ही भारतीय सेना के पास ये मिसाइल होगी। फ्रेंड्स, इस मिसाइल से रिलेटेड खास बात यही है कि जो इसका सफल परीक्षण किया गया है वो राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज है, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया है, और जिसका कैरियर है यानी कि जिसके थ्रू इसको शॉट किया गया है वो है हमारा नामिका, ठीक है। ये एक टैंक है नामिका, इसके थ्रू इस मिसाइल को छोड़ा गया, टेस्ट किया गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, ये इसकी रियल पिक्चर है जब इसका सफल परीक्षण किया गया। ये नामिका इसका टैंक है और इसका ये परीक्षण किया गया, ये एकदम मतलब सफल रही है, दुश्मन के बड़े से बड़े हैवी से हैवी टैंक को उड़ा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मिसाइल का नाम है नाग, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका नाम है, याद रखिएगा। और इसका टेस्ट कहां पर किया गया, पोखरण में किया गया, ठीक है, पोखरण फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा की सतह पर खोजा पानी। फ्रेंड्स, हाल ही में नासा ने एक लाइव अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने चांद के ऊपर पानी की खोज कर ली, यानी कि उनको H2O मिल चुका है चांद के ऊपर। कहां पर, ये आप देख सकते हैं, ये रियल इमेज जो कि नासा के थ्रू जारी की गई है, अनाउंस की गई है, ये चांद की रियल इमेज है यहां पर, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यहां पर ये यहां पर जूम करके दिखाया हुआ है। यहां पर चांद के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो उन्हीं में से कुछ गड्ढों में इनको पानी के कुछ अवशेष मिले हैं। गड्ढे का नाम क्या है, क्लेवियस क्रेटर, ये मैंने लिखा है क्लेवियस क्रेटर, ठीक है, एक गड्ढे का नाम है जहां पर इन्हें पानी के अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स, काफी बड़ी न्यूज है, नासा ने पानी खोज लिया है चांद के ऊपर, तो आगे देखते हैं क्या अनाउंसमेंट निकल के आती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने चांद के ऊपर पानी खोजा है, गड्ढे का नाम भी पूछा जा सकता है कि किस गड्ढे में पानी खोजा है, कैवियस क्रेटर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये पानी मिला है चांद पर। ये रियल इमेज नासा के थ्रू जारी की गई है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। पोलैंड ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा। फ्रेंड्स, पोलैंड एक देश है, तो उन्होंने हाल ही में अपने एक शहर जिसका नाम है व्रोकला, व्रोकला एक शहर है पोलैंड का, वहां पर एक चौराहा है जिसका नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर इन्होंने रखा, इनको सम्मान देने के लिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप जानते होंगे, हिंदी बहुत ही पॉपुलर कवि थे, जिनके एक रचना मधुशाला से बहुत ही पॉपुलर हुए थे। और दूसरी खास बात यह है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के पिता थे, ठीक है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हाल ही में अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके शेयर किया था। तो फ्रेंड्स, रियली में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बड़े बॉलीवुड एक्टर के पिता के नाम पर पोलैंड में एक जगह के चौराहे का नाम रखा गया, या फिर किस भारतीय कवि के नाम पर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप तैयार रहिएगा आंसर देने के लिए, सभी चीजें आपने यहाँ पर देख ही ली है। तो चलिए आपको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की इमेज भी दिखा देता हूँ। ये ऐसे दिखाई देते थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनकी जो सबसे चर्चित रचना रही है वो मधुशाला रही है, ठीक है, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। नेक्स्ट है, भारत 35 साल बाद बना ILO का अध्यक्ष। फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ILO, फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ये एक इंटरनेशनली काम करती है, यानी कि जो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो लेबर काम कर रहे हैं, जो वर्कर है, उनके वेतन का ख्याल रखना, उनका वेतन निर्धारित करना, वर्क डिवाइड करना कि अगर कोई लेबर ये काम कर रही है तो उसका वेतन एवरेज कितना होना चाहिए, ठीक है, उनका ख्याल रखना, ये काम होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड काम करती है। और फ्रेंड्स, ये 35 साल बाद ऐसा हुआ है कि जो ये ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रेसिडेंट कोई इंडियन चुना गया हो। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट बने अपूर्वा चंद्रा, ठीक है, ये ILO के प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं अक्टूबर मंथ में ही, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ये ट्वीट भी किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंडियन प्रेसिडेंट बना हो। तो अपूर्वा चंद्रा ये एक 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडेट से IAS ऑफिसर रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इन्होंने ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो काफी बड़ी हस्ती हैं। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो बनी थी ये 1999, मैंने लिखा हुआ है 1919 में बनी थी, और जिसका हेडक्वार्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम सिलेक्टेड मैं आपके लिए करंट इवेंट लेकर आता हूं, तो बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में 24 अक्टूबर गया तो उसी दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया। अब सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है क्या? फ्रेंड्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जब उनमें से कुछ देश विजय रहे थे तो उन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन इसलिए किया गया था ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी सिचुएशन ना आ सके कि वर्ल्ड वॉर हो। तो इसमें उस टाइम पे जब ये बनी 1945 में, तो लगभग 50 के आसपास देश इसमें थे, लेकिन अब इसमें 193 देश इसके अंदर है। तो ठीक है कि ऐसे वर्ल्ड वॉर की कंडीशन ना हो सके, सिचुएशन ना आ सके दोबारा दुनिया में, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, और ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में, ठीक है, ताकि सब लोग इस चीज को लेकर अवेयर रह सके, शांति बनाए रखें पूरी दुनिया के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये मैंने लिखा हुआ है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या। फ्रेंड्स, पूरे भारत के अंदर ये योजना शुरू हो चुकी है, सब लोग इस योजना को लागू कर रहे हैं अपने अपने स्टेट में। तो ये योजना है क्या? फ्रेंड्स, इस योजना के तहत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी कि जो सड़क के किनारे रेडी वगैरह अपनी छोटी छोटी दुकान वगैरह लगाते हैं, आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके तहत उनको 10,000 रुपए का एक लोन दिया जाएगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कि एक साल तक रहेगा, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी किस्तों में उस लोन को एक चुका सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पूरी योजना का फंडा है, और उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ये योजना लागू की है, और उत्तर प्रदेश में लगभग 7 लाख स्ट्रीट वेंडर ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, यानी कि लोन लिया है, लोन लेने के लिए उन्होंने पंजीकरण कर लिया है, तो ये एक रिकॉर्ड भी बना है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या, और सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने, और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहीं से आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में ही है। ये देखिए, मैंने इमेज भी लगाई हुई है, ये होते हैं हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो कि सड़क के किनारे अपनी रेहड़ी वगैरह सब कुछ लगाते हैं, ठीक है, इनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा एक साल की किस्त पर। नेक्स्ट है हमारा, CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 1,00,000 रुपए जुर्माना और 5 साल तक की जेल दंड निर्धारित की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि CGWA है क्या। यहां पर देखिए, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, ये एक सेंट्रल लेवल का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो इसने एक नियम लागू किया है, एक नियम निकाला है, जो भी पानी का बेवजह इस्तेमाल करते हैं या फिर पानी को वेस्टेज करते हैं, ठीक है, उन पर एक जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या जुर्माना है? 1,00,000 रुपए जुर्माना होगा, 5 साल तक की जेल होगी। फ्रेंड्स इस चीज को लेकर यार बड़ा मेरा दिमाग खराब होता था। जो आप देखते होंगे शहरों के अंदर छत के ऊपर जो वाटर टैंक होते हैं, मोटर चली हुई है और पानी बाहर बाहर आए, ठीक है, नालियों में पानी बाहर आए, इस चीज को लेकर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमेशा से कि यार कोई भी ध्यान नहीं देता, मतलब पानी चल रहा है, नाली में पानी जा रहा है, टैंक भर चुका है और फिर पानी फ्लो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो इसी चीज को देखते हुए जो पानी का वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर अब ये जुर्माना होगा 1,00,000 रुपए का और 5 साल की जेल। ये किसने किया है? CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसे मत समझ लीजिए कि हवा में मैंने आपको बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गारंटी से कह सकता हूं कि यार NTPC का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो SSC का, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर के नाक के पीछे एक नया अंग खोजा है। फ्रेंड्स हाल ही में नीदरलैंड जो है, ठीक है, एक देश है, उसके कैंसर इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक है वो एक रिसर्च कर रहे थे कैंसर के ऊपर, एक रिसर्च कर रहे थे कैंसर प्रोस्टेट के ऊपर, तो उन्होंने एक अजीब अंग खोजा है इंसान के शरीर के नाक के आसपास, ठीक है। कहां पर खोजा है ये देखिए, इंसानी शरीर का एक मैंने होलोग्राम लगाया हुआ है, नाक के पास एक ऑर्गन खोजा है जिसको न्यू ऑर्गन भी कहा गया है, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है, ये उसका नाम है। ये देखिए इंसान का जो मतलब ढांचा होता है फेस वाला, यहां पर ये एक नया अंग खोजा है जिसका अभी तक नहीं पता था, इतने सारे वैज्ञानिक अभी तक नहीं पता था कि इस प्रकार का भी कोई अंग होता है, तो इसको एक ग्लैंड का नाम दे दिया है, ट्यूबरक्लोसिस स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है, याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी कहा गया है वैज्ञानिकों के थ्रू, जो ये अंग है ये कैंसर के इलाज में बहुत ही कामगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो यही इवेंट बनता है कि नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक नया ऑर्गन खोजा है जिसका नाम ट्यूबरक्लोसिस स्लेवरी ग्लैंड है, ये याद रखिएगा बस आप। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू की। फ्रेंड्स ये नीति जल्दी भारत में भी लागू हो सकती है ऐसा सुना जा रहा है न्यूज के थ्रू। तो फ्रेंड्स जो ये नीति है इसका फंडा क्या है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, और जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता रहता हूं तो मुझे पता चला है कि बांग्लादेश से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो हाल ही में फ्रेंड्स बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये रूल लागू किया है कि नो मास्क नो सर्विस, अगर कोई बिना मास्क के है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अगर मास्क है तो सर्विस दी जाएगी, अगर कोई बिना मास्क के है तो उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो एक कदम उठाया गया है COVID-19 पर रोक लगाने के लिए, जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन, कुछ यूनिक किया है हमारे पड़ोसी देश ने। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, शायद लास्ट है आज का और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। नासा का अंतरिक्ष यान बेनु एस्ट्रॉइड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ। फ्रेंड्स नासा ने कुछ ही टाइम पहले, काफी टाइम पहले अंतरिक्ष में एक यान भेजा था जिसका नाम था बेनु, जो कि एक एस्ट्रॉइड के ऊपर भेजा था। मैं आपको पहले बता चुका हूं एस्ट्रॉइड होते क्या है, बड़े बड़े पत्थर टाइप के, चट्टान टाइप के, जैसे हमारे ग्रह घूमते रहते हैं सूरज के चारों ओर, वो भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से मिलकर बने होते हैं, साथ ही मलबा होता है, धूल मिट्टी से मिलकर बने होते हैं। तो एक एस्ट्रॉइड के ऊपर उन्होंने अपना यान भेजा था, तो ये सफल रहा है धूल मिट्टी इकट्ठा करने में, अलग अलग टाइप के मटेरियल को इकट्ठा करने में सफल रहा है, और अब ये जो मटेरियल है वो पृथ्वी पर लेकर आएगा। कब तक आएगा? 2023 यानी कि 2023 तक ये जो इसने मलबा इकट्ठा किया है, धूल मिट्टी कंकड़, वो पृथ्वी पर ये 2023 तक पहुंचा देगा। यान का नाम देखिए क्या है, बेनु, और ये नासा का यान है। मैं आपको दिखा देता हूं एस्ट्रॉइड कैसे होते हैं, ये वो एस्ट्रॉइड है जिसके ऊपर इन्होंने यान भेजा था, बेनु यान, ठीक है। तो यहीं से ही कंकड़ पत्थर जो भी उसे मिला उसने एकत्रित किया और अब ये पृथ्वी पर लेकर आ रहा है। कब पहुंचेगा? 2023 तक, है ना, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग की वजह से नहीं, जो भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं एकदम मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट लेकर आता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट था। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, अगर आपको लगा हो कि कम करंट इवेंट है तो बेफिक्र रहिए, ये सभी मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट है,
लेकर आने को तो मैं भी आपके लिए डेली 50-50 लेकर आ सकता हूं, लेकिन फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फिल्टर करके एनालाइज करके तब मैं आपके लिए लेकर आता हूं। 11-12 के आसपास वेडनेसडे को और 11-12 करंट इवेंट्स के आसपास संडे शाम 5 बजे आपको मिल जाते हैं। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि डेली मॉर्निंग में आपको पढ़ना ही है करंट इवेंट, उसका कोई फायदा नहीं। एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे फॉलो करते रहिए, ये मेरी गारंटी है कि करंट अफेयर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ही और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स, जल्दी जल्दी करा दीजिए। और संडे में मिलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट, वैसे तो उससे पहले किसी और वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर शो में संडे को मिलेंगे शाम 5 बजे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। Oh, 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 oh